देखिए जन्माष्टमी का त्योहार आने को है और ऐसे में जहां हम सब बाल गोपाल के आगमन के लिए उत्सुक रहते हैं, एक दुविधा भी रहती है मन में कि भैया पूजा किस विधि विधान से की जाए ताकि हमारी जो उपासना है वो सफल हो। तो भाई सिद्धार्थ कुमार तिवारी जन्माष्टमी के मौके पर एक म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको शिवया भी दिखेंगी और संगीत के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या है सही विधान जिससे आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर नंदलाला के लिए एक खास गाना आने जा रहा है। ऐसे में तैयार हो जाइए कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए, क्योंकि इस गाने को कोई और नहीं बल्कि मायतो शोज के किंग कहे जाने वाले सिद्धार्थ तिवारी लाने जा रही हैं, जिसके लिए हो गई है पूरी तैयारी। जी हाँ, सिद्धार्थ कुमार तिवारी लाने जा रही हैं कृष्ण महामंत्र, जिसका जाप हर कोई करता है। वहीं उनके गाने का नाम है अच्युतम केशवम। अब मौका इतना खास है तो जन्माष्टमी में कैसे श्याम को खुश करें और कैसे पूजा संपन्न करें, इसके बारे में भी तो ज्ञात होना चाहिए। अब इस खास मौके पर आपको कैसे विधि विधान के साथ अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए, इसके बारे में भी वीडियो के जरिए काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो कि स्वास्तिक प्रोडक्शन के लेबल के तले ही बना है। अब इस खास मौके पर लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी यानी कि शिव्या पटानिया इस्कॉन मंदिर के प्रभु जी के साथ पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे विधि विधान को भी समझा। राधा कृष्ण करने से लेके आज लक्ष्मी नारायण तक और ये किरदार जीने से लेकर आज जन्माष्टमी मनाने तक, साथ ही में हम जन्माष्टमी के लिए एक स्पेशल स्वास्तिक के यूट्यूब चैनल पर जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें प्रोसेस नहीं पता उनके लिए आ रहा है, प्लीज़ वो देखिएगा। लक्ष्मी नारायण में कुछ तो सरप्राइजेज आने वाले हैं, उसके लिए लक्ष्मी नारायण देखिएगा। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। स्वास्तिक यूट्यूब चैनल पर देखिएगा हमारा पहला भजन अच्युतम केशवम, डू नॉट मिस इट, थैंक यू। वाह भाई वाह, यानी कि इस जन्माष्टमी आपकी पूरी सूची तैयार है और आने वाले समय में आपको सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा इसी तरह के गाने और कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिसको सुनने के बाद आप भी आनंदमय महसूस करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।